आप बुंदेलखंड को पता कर लें, वहाँ अन्ना जानवर कहते हैं, कहीं आवारा कहते हैं, कहीं अब वही गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं। परसाई जी के बैंक तो आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया में गाय वोट दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहाँ वोट दिलाने का काम करती है। सीएम साहब, आपने कहा कि ट्राइबल्स जी, आपने कहा ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं आजकल बैंक खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए जी, तो मतलब क्लियर है कि सड़क खोलने के लिए कोई डिमांड नहीं है? ना ना, वो है ही, मैंने पहले ही कहा आपको, पहले जब सड़क बनती थी तो लोग ये कहते थे, नहीं आप बस्तर में, जैसे मैं आपको जीरम घाटी के नीचे आप जाएंगे, छिंदगढ़ ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जाइए, एक गांव ऐसा नहीं है जहां आपको डामरी की सड़क ना हो। पर ऐसे कोई इतने रोड प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, ऐसे कितने हैं जो स्टॉल हुए गए हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन? हाँ हाँ, बहुत है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान हुआ है। MRP 1 और 2 फेज 2 इसके तहत हमको राशि मिली है, लेकिन पहले वाले जो फर्स्ट फेज के चूंकि बहुत अंदर में था वो सड़कें नहीं बन पाई थी, और अभी 2024 तक के हमको 2023 मार्च तक के समय दिया है, हमने कहा भाई मार्च तक के तो सड़क नहीं बन पाएगी, हमको एक साल और दिया जाए। अभी जो मध्य क्षेत्र की जो बैठक हुई थी, अमित शाह जी ने जो लिया था, उसमें हमने डिमांड की कि 24 तक बढ़ाया जाए। और आपको बताऊं मैं कि राजनांदगांव अंतागढ़ और अबूझमाड़ होते हुए भैरमगढ़ तक के सड़क बन गई है, जिसमें कभी कोई जा नहीं सकता, अबूझमाड़ कोई जा नहीं सकता था, अब सड़क बन गई है, अब बहुत आसानी से जा सकते हैं। यदि इधर से जगदलपुर जाएंगे, जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे, तो आपका कम से कम 150 किलोमीटर कम होगा। मैं पूछना चाह रहा था कितने रोड प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब इतना डिटेल में आपको अलग से दे दूंगा जी। अब हो गया हो तो फिर आप पूछ लें। अच्छा, बचा है अभी आपने बुरे वासी की प्रथा को दोबारा नहीं जान करके जी, और पर्यटन इंडस्ट्री से बात करें तो फूड फेस्टिवल की बात जी, फूड फेस्टिवल की तो कुछ ऐसा प्लान है छत्तीसगढ़ के भोजन को? हाँ, पिछले साल हमने आयोजन किया था छत्तीसगढ़ के बोरे बासी, मतलब ये है कि एक लोग पहले हीन भावना से देखते थे ये बासी खाने वाला है, तो हम लोगों ने अब वो मूलतः जो किसान है, मजदूर है, इनका ये भोजन रहा है, तो एक जिसमें उसको खुशी भी हो, उसमें गौरवान्वित भी हो, और इसलिए बोरे बासी दिवस हमने 1 मई को मनाया मजदूर दिवस के लिए। जी सर, ये आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है जी, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में थोड़ा देर से आया, हो सकता है किसी ने सवाल पूछ लिया हो पहले, नहीं पूछा, ये बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है जी। बीजेपी का ये कहना है कि उसको लेके आपके सांसदों का, विधायकों का आपका घेराव किया जाएगा, बहुत अच्छा है जी, तो और आपके सांसद विधायक भी एक दिन का वेतन दे रहे हैं कि आप केस लड़ सकें, वस्तु स्थिति क्या है, देखिए योजना आगे की क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से जब अलग हुए तो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो पूरे मध्य प्रदेश के जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से हुआ था, और उसमें 20% आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश में थे, 16% अनुसूचित जाति के लोग थे, तो उसके हिसाब से आरक्षण था। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो आरक्षण वैसी चला आ रहा था, जबकि भारत सरकार ने 2005 में ही आदेश कर दिया था कि ये 32% चूँकि आदिवासी वहाँ रहते हैं और अनुसूचित जाति 13% रहते हैं, उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन पिछली सरकार ने 2005 से लेकर 2011 तक उसके रोका रखा, और 2011-12 में जब